हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और हमारे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर में के बारे में, जो कि आपको देखने को मिलने वाले हैं आने वाले समय में। बात करें हम नंबर 5 की इस लिस्ट में, तो नंबर 5 पर आपको देखने को मिलती है रिवोट NX 100। जी हाँ, आपने कहीं ना कहीं इसका नाम सुना ही होगा, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में सुना होगा और मैंने भी काफ़ी जो है इसके बारे में वीडियोस बनाई है। बात करें इसके लॉन्चिंग की, तो ये 23 तारीख को जो है 23 अक्टूबर को आपको देखने को मिलने वाली है। और बात करें इसके रेंज के बारे में, तो 280 किलोमीटर की जो आपको इसके अंदर रेंज देखने को मिलने वाली है। अगर आपको थोड़े एक कम रेंज वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो उसका भी इसके अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। आगे और पीछे आपको जो है डैश कैम देखने को मिलेगा, आपको बूट ओपनिंग के लिए आपको जेस्चर देखने को मिलेगा और जो हाइड्रोलिक बूट ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी। जो है मैनुअल आपको इसके अंदर बूट ओपनिंग नहीं देखने को मिलेगी, आपको केवल अपने जेस्चर अपने पैरों से जो है आपको जेस्चर देना और ये ऑटोमेटिकली जो है ओपन हो जाएगा बूट। बैटरी की बात करें तो इसके अंदर जो है 5.7 किलोवाट आवर की जो है बैटरी देखने को मिलती है, जिससे कि आपको 280 किलोमीटर की आपको इसके अंदर रेंज देखने को मिलती है। प्राइस की बात करें तो इसका जो लो रेंज वाला वेरिएंट है वो अंडर 1 लाख आने की जो है पूरी संभावना है। और बात करें इसके मोटर के पावर की, तो इसके अंदर आपको जो है साइड माउंटेड मोटर देखने को मिलती है, जिसकी पावर आपको 6 किलोवाट देखने को मिलती है। तो अच्छी खासी जो इसके अंदर पावर देखने को मिलती है। अगर टॉप स्पीड की बात करें तो 95 से 100 की जो है आपको अप्रोक्स इसके अंदर टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 के ऊपर जो है ब्रांड है वो इंटरनेशनल ब्रांड आपको देखने को मिलता है, जो काफ़ी देशों में इसका जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर चलता है या स्वाइपिंग नेटवर्क चलता है। बेसिकली ये कंपनी स्वाइपिंग नेटवर्क पे काम करती है, ताइवान जैसी कंट्री में ये अपना जो है स्वाइपिंग नेटवर्क चलाती है। तो ये रिसेंटली इंडिया में अपनी जो है स्वाइपिंग नेटवर्क और अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को टेस्टिंग कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गोगोरो की। जी हाँ, गोगोरो जो है इंडिया में अपनी जो है टेस्टिंग कर रहा है स्वाइपिंग नेटवर्क और जो है अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने के लिए। और इन्होंने जो काफ़ी इंडियन कंपनी के साथ भी टाई अप कर लिया है, तो जिससे कि ये जल्दी से जल्दी जो है अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर सके और अपना जो स्वाइपिंग नेटवर्क वो चालू कर सके। इसके अंदर आपको जो है विदाउट बैटरी और विथ बैटरी भी जो है आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर विदाउट बैटरी आप लेते हो तो इसके अंदर आपको केवल इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिलेगा और जो बैटरी आप इनके नेटवर्क से ले सकते हैं, जिनका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। इससे आपको जो है बैटरी की कॉस्ट नहीं देने को देखने को मिलेगी, केवल आपको जो है इलेक्ट्रिक। और अगर आप विथ बैटरी जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं तो उसकी जो आपको बैटरी की भी कॉस्टिंग देनी पड़ेगी। इससे जो है आपकी जो है खुद की परचेस की भी जो है बैटरी हो जाती है, जिससे कि आप घर पे ले जाकर भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये जो है दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू रेंज। और बात करें हम थर्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, तो जो थर्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसको जो है अगर बात करें तो एक काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड आपको देखने को मिलता है आईसी स्कूटर में। हम बात कर रहे हैं बजाज की। फिलहाल जो इंडियन मार्केट में बजाज का एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है सेल हो रहा है, बजाज चेतक ईवी जो है उस, और जो नया वाला बजाज चेतक है उसके अंदर आपको जो BLDC मोटर देखने को मिलती है और 70 से 80 किलोमीटर की आपको जो है रेंज देखने को मिलेगी और वही 70 की जो है टॉप स्पीड आपको देखने को मिलेगी। और अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो जो है इसके अंदर फाइबर बिल्ड देखने को मिलेगा। टोटली जो है बजाज चेतक के अंदर आपको मेटल बॉडी देखने को मिलती है जो भी इंडियन मार्केट में है, लेकिन जो नया चेतक आने वाला है उसके अंदर आपको पूरी की पूरी जो है फाइबर बॉडी देखने को मिलने वाली है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में आपको जो है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन अनदर देन इसकी जो प्राइस है वो भी कम रहने वाली है। जो अभी ऑन रोड प्राइस है TVS चेतक की वो 1,35,000 रुपये है और जो है नए वाले चेतक की प्राइस अप्रोक्सीमेटली 1,10,000 के तकरीबन होने वाली है। इसके अंदर आपको कोई भी डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलने वाला है, आपको ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलेंगे, अलॉय व्हील्स नहीं देखने को मिलेंगे, आपको जो है स्टील रिम्स ही देखने को मिलने वाले हैं और इसके अंदर आपको रेंज भी कम देखने को मिलने वाली है। और अगर बात करें हम लॉन्चिंग की, तो जो है लॉन्च ये इस ईयर के लास्ट तक या फिर 2024 के स्टार्टिंग में जो है ये लॉन्च अप्रोक्सीमेटली हो सकता है, रूमर्स के हिसाब से यही पता चल रहा है। नंबर 2 पे आपको जो इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिलता है उसका नाम है ब्रिस ईवी। जी हाँ, ये एक बेंगलोर बेस नया स्टार्टअप जो है चला है, तो इनके पास भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है
जिसके अंदर आपको जो है दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, मिड ड्राइव मोटर वाला भी देखने को मिलेगा और जो है BLDC हब मोटर वाला भी आपको जो है वेरिएंट देखने को मिलेगा। इनके पास दो वेरिएंट है और इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा जो रेंज देने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर यही है, 333 किलोमीटर की जो है ये रेंज क्लेम कर रहे हैं। अभी ये फ़िलहाल टेस्टिंग फेज़ में चल रहा है, अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है बेंगलोर के अंदर और आने वाले कुछ समय में जो है ये कंपनी इसको लॉन्च कर देगी। ये स्टार्टअप है, एक इंडियन कंपनी है और प्राइस की बात करें 1,10,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में जो है इसकी प्राइस रहने वाली है। इसके अंदर आपको काफ़ी वेरिएंट देखने को मिलेंगे। बात करें नंबर वन की, तो नंबर वन की आपकी पर्सनल फेवरेट होने वाली है, जो कि आपने कभी ना कभी जो है इसकी IC इंजन वेरियंट चलाया ही होगा और काफ़ी लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका जो है एक इलेक्ट्रिक वेरियंट भी आ जाए। तो हम बात कर रहे हैं होंडा एक्टिवा की। जी हाँ, काफ़ी लोगों ने जो है होंडा एक्टिवा चलाया होगा IC इंजन में, या काफ़ी लोग जो ऑन करते होंगे होंडा एक्टिवा। और कुछ लोगों की यह भी डिमांड है कि इसकी जो है एक इलेक्ट्रिक वर्जन भी लाया जाए, जिससे कि सेम जो है चीप प्राइस में आपको अच्छी क्वालिटी मिल सके। तो जो है होंडा ने कन्फर्म कर दिया है कि वह जल्दी ही जो है अपना एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लाने वाले हैं और उसका नाम जो है जिसका नाम रहने वाला है वो होंडा एक्टिवा EV रहने वाला है। और जो लॉन्च की बात करें तो यह है जो 2024 के स्टार्टिंग में जो है कंपनी इसको लॉन्च कर देगी। होंडा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो अभी टेस्टिंग फेज चल रहा है और इसकी टेस्टिंग कर रही है होंडा, तो जल्दी से जल्दी जो है ये आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेगा होंडा। तो थैंक यू।